हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। मेरा नाम अनिकेत पाठक है। डियर स्टूडेंट, इससे पिछले वाले लेक्चर की क्लास में हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट को अच्छे तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज की क्लास में मल्टीपल क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में बता दिए हैं। आज की जो क्वेश्चन आपके बोर्ड में लिखे गए हैं ये भी एक ही नंबर दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट, पर ये आपके बोर्ड पेपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो चलिए सबसे पहले सवाल का हम लोग अध्ययन करते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे क्या कह रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या समझते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर एक का उत्तर हम लोग समझते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या होता है, जब कोई चालक होता है। प्यारे बच्चों, चालक मतलब कोई तार भी ले सकते हो, कोई वायर भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो जब कोई चालक होता है और जब इसी किसी चालक को आपने ले लिया, तो चालक में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, वो चारों तरफ क्या होते हैं, चारों तरफ से स्वतंत्र रूप से एक गतिशील रहते हैं, यानी कि कोई दिशा निश्चित नहीं रहती। ये चारों तरफ एक दूसरे से टकराते रहते हैं, गतिशील रहते हैं, ऐसे कोई दिशा उशा होती नहीं। ठीक, जब इस चालक को किसी बैटरी से जोड़ दिया जाता है, अब यही चालक आप उठा लिए इधर, और इस चालक को आपने क्या कर दिया, बैटरी से बैटरी से आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये लीजिए, विद्युत क्षेत्र से स्थापित कर दिया, विद्युत क्षेत्र से जोड़ दिया। जब किसी चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है, जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ दिया जाता है, तो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ये जो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो एक निश्चित दिशा में गमन करने लगते हैं, प्लस की ओर चलने लगते हैं, माइनस से प्लस की ओर चलने लगते हैं। प्यारे बच्चों, तो ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गमन करने लगते हैं, एक निश्चित दिशा में चलने लगते हैं। तो चलने के दौरान जो धनायन रहते हैं, ये धनायनों से क्या होते हैं, टकराते हैं। ये इलेक्ट्रॉन लगातार धनायनों से टकराते हैं, और टकराने के बाद जो बैटरी द्वारा ली गई ऊर्जा होती है, वो बैटरी द्वारा ली गई ऊर्जा व्यय हो जाती है, बैटरी द्वारा ली गई ऊर्जा समाप्त हो जाती है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी एक नाम मात्र की गति से, एक हल्के फुल्के वेग से क्या होता है, त्वरित होता है, हल्के फुल्के वेग से आगे बढ़ता है। तो ये जो नाम मात्र का ये हल्का फुल्का जो वेग होता है, वो क्या कहलाता है, अपवाह वेग कहलाता है, जिसे हम लोग वीडी से व्यक्त करते हैं। ठीक, फिर से समझते हैं, जब किसी चालक को एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, या जब किसी चालक को किसी बैटरी से जोड़ दिया जाता है, तो बैटरी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गमन करने लगते हैं। गमन करने के दौरान चालक में उपस्थित धनायनों से लगातार टकराने की वजह से बैटरी द्वारा ली गई ऊर्जा को खो देते हैं, बैटरी द्वारा ली गई ऊर्जा व्यय हो जाती है। परंतु कुछ कम ऊर्जा, कम गति के, या हम कह सकते हैं परंतु कुछ ऊर्जा रह जाती है, जिस ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन थोड़े से त्वरित होते हैं, एक हल्के गति से आगे की तरफ बढ़ते हैं, वो गति क्या कहलाती, अपवाह वेग कहलाता है, जिसे हम लोग वीडी से व्यक्त करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको पहले क्वेश्चन का जवाब आपको समझ में आया होगा। आप लिखना चाहते हो तो एक बार जरूर बोल देते हैं, आप लिख सकते हो। प्यारे बच्चों, क्या होता है, जब किसी चालक को बैटरी के जोड़ते हैं बैटरी से, तो जो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो एक निश्चित दिशा में गमन करने लगते हैं। तो जब ये गमन करेंगे तो ये उपस्थित धनायनों से टकराएंगे, तो धनायनों से जैसे ये टकराता है, वैसे जो बैटरी द्वारा इसको ऊर्जा मिली रहती है, वो ऊर्जा खो जाती है, ऊर्जा व्यय हो जाती है इससे टकराने के बाद। जब इससे टकराने के बाद इसकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है, तो कुछ ऊर्जा रह जाती है, जिसके कारण ये आगे की तरफ बढ़ता है, आगे की तरफ बढ़ता है। तो वो जो वेग होता है, जिस वेग से वो आगे की तरफ बढ़ता है, वो वेग क्या कहलाता, अपवाह वेग कहलाता है। या तो हम कह सकते हैं, ये भी बता सकते हैं कि किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराने के बाद जिस वेग से आगे बढ़ता है, जिस वेग से आगे की तरफ चलता है, वह वेग अपवाह वेग कहलाता है। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो की तरफ। अगर आप क्वेश्चन नंबर एक का उत्तर लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा। डेस्ट आगे कह रहा है, किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के शांति काल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है।
क्वेश्चन नंबर दो, फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा। किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये श्रांति काल को हम लोग टाउ से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? टाउ से व्यक्त करते हैं। अब श्रांति काल होता क्या है, ध्यान समझिएगा। आपने अभी इससे पहले वाले सवाल में आप एक चालक बनाए थे, क्या बनाए थे? चालक बनाए थे। अब चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन था, ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन को आपने, इस चालक को किसी बैटरी से क्या कर दिए थे, जोड़ दिए थे, किसी बैटरी से जोड़ दिए थे। जब आपने इसको बैटरी से जोड़ा, ठीक, बैटरी से जोड़ा, तो ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में क्या करने लगते हैं, गमन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? गमन करने लगते हैं, ठीक। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में चलेंगे, तो ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या होंगे, टकराएंगे। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तो क्रमागत, ध्यान से समझिएगा, क्रमागत दो इलेक्ट्रॉन के टक्करों के बीच का क्रमागत, यानी एक क्रम से, जैसे आप समझिएगा कि ये जो है इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे ये है, तीसरे स्थान पे ये है, तो क्रमागत दो इलेक्ट्रॉन के टक्करों के बीच के वह समय अंतराल, टक्करों के बीच के समय अंतराल को क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। आपका ये क्वेश्चन नहीं है कि श्रांति काल किसे कहते हैं, आपको बताना है कि श्रांति काल पे ताप का प्रभाव क्या पड़ता है। डियर स्टूडेंट एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं श्रांति काल क्या होता है। क्रमागत, किन्हीं क्रमागत दो इलेक्ट्रॉनों के बीच के टक्करों का समय अंतराल ही श्रांति काल कहलाता है, और श्रांति काल ताप के क्या होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, जो आपका श्रांति काल होता है वो ताप के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती नहीं बल्कि क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या हमने बताया प्यारे बच्चों, जो ये श्रांति काल होता है, जो टाऊ होता है, वो टाऊ वन प्रोपोर्शनल क्या होता है, ताप, यानी अगर हम लोग ताप बढ़ाएंगे तो श्रांति काल घट जाएगा। और आपका क्वेश्चन क्या है, किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों में श्रांति काल का पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, लिखेंगे, यदि ताप का मान बढ़ा दिया जाए तो श्रांति काल जो है घट जाएगा, यदि ताप का मान कम कर दिया जाए तो श्रांति काल का मान बढ़ जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ताप बढ़ाने पर श्रांति का मान, श्रांति काल का मान घट जाता है। चलिए डियर स्टूडेंट, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर दो भी हम लोग क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है, समीकरण ई इक्वल टू रो जे में रो का मात्रक लिखिए। और डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखे गए, इस आधार पे जरूर कोई ना कोई आपको क्वेश्चन जरूर पुटअप करेगा। क्या लिख रहा है, समीकरण ई, तीसरा नंबर, समीकरण ई इक्वल टू क्या है, रो इंटू जे में रो का मात्रक लिखिए। तो रो का मात्रक लिखना है तो जे को इधर की तरफ भेजना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू ई अपान जे, ई अपान जे, ई का मात्रक और जे का मात्रक। तो ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ई क्या है यहाँ, विद्युत क्षेत्र है, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। और जे क्या है, धारा घनत्व है, जे क्या है, धारा घनत्व है। अब ई, ई विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक तो पता ही होगा, न्यूटन प्रति क्या होता है, कूलाम, न्यूटन प्रति क्या होता है, कूलाम होता है। तो आप इस कूलाम को यहां लिख दीजिए, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक। आगे समझिएगा, जे, जे क्या होता है, धारा घनत्व, धारा घनत्व आपने पढ़ा था, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि जे इक्वल टू आई अपान ए होता है, तो एम्पियर प्रति क्या हो गए, मीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों जरा से इसको आप व्यवस्थित करना चाहो तो जरूर व्यवस्थित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, जरा सोचिए, एक मीटर, ये दोनों मीटर वहां पर जाएंगे, अगर हम एक मीटर लेके जाएं तो ऐसे समझिएगा न्यूटन, ठीक, आप यहां भी छोड़ सकते हैं पर आपको आगे हल करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट। ये न्यूटन हो गए, प्रति क्या है, कूलाम लिखे रहते हैं, ठीक। आगे क्या है डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा जरा सा, फिर क्या है, एम्पियर है, क्या है, एम्पियर है, फिर बटे क्या है, मीटर स्क्वायर।
एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर यहाँ पर जाएंगे, ये यहाँ पर आएंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। ये मीटर स्क्वायर यहाँ पर जाएंगे और ये एम्पियर यहाँ पर आएंगे। अगर हम यहाँ से एक मीटर लेके जाएं तो केवल हम एक मीटर को ले जाना चाहें तो क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर। ठीक, न्यूटन मीटर। फिर आपके सामने क्या बचा है डियर स्टूडेंट, उसके बाद आपके सामने यहाँ पर बचा है कूलाम। क्या बचा है, कूलाम बचा है। फिर ये एक मीटर यहाँ लिख दिए, ठीक, एक मीटर बचा है और प्रति क्या बचा है प्यारे बच्चों, एम्पियर बचा है। क्या बचा है, एम्पियर। ध्यान से समझिएगा, एक बार फिर से आपको समझाते हैं। दोनों मीटर ले गए थे पर एक मीटर हमने यहाँ लिखा, एक मीटर यहाँ, मीटर मीटर स्क्वायर हो गए प्यारे बच्चों। अब ध्यान से समझिए, ये न्यूटन मीटर किसको दिखाता है और कूलाम किसको दिखाते हैं, मीटर प्रति एम्पियर किसको दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान से समझिएगा, इसे इतने पूरे को न्यूटन मीटर प्रति कूलाम को आप लोग क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, आप इसे लिखते हैं बोल्ट। क्या लिखते हैं, बोल्ट। अब कहोगे कहाँ से सर, कैसे पता चला, कैसे बोल्ट लिख लोगे, अरे V इक्वल टू W अपान क्या पढ़े हो, क्यू नॉट, और W क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मात्रक मीटर और आवेश का मात्रक कूलाम, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। न्यूटन मीटर प्रति कूलाम को क्या कहते हैं, बोल्ट कहते हैं। ये आ गए बोल्ट, क्या आ गए, बोल्ट। ये बोल्ट, फिर क्या बचा है, मीटर प्रति क्या हो गया, एम्पियर। बोल्ट मीटर प्रति एम्पियर, यानी ये भी मात्रक रो का हो सकता है, ये भी रो का मात्रक हो सकता है। लास्ट आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं ओम मीटर। देखिए बोल्ट एम्पियर, अब कहोगे बोल्ट एम्पियर, आर इक्वल टू वी अपान आई, V क्या होता है, बोल्ट और एम्पियर। तो बोल्ट और एम्पियर किसको दिखाते हैं, ओम को। तो रो इक्वल टू का आ गया ओम और मीटर, यानी रो का मात्रक क्या आ गया, ओम मीटर आ गया। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हम यहाँ रो का मात्रक निकाल सकते हैं, रो का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। डियर स्टूडेंट एक बार फिर से इसको आप जरूर कंप्लीट कीजिएगा। E को हमने न्यूटन प्रति कूलाम लिखा, J को एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर लिखे, मीटर स्क्वायर को यहाँ भेज दिए, कूलाम को यहाँ भेज दिए। देखिएगा फिर आगे हमने हल किया तो ओम मीटर आ गया डियर स्टूडेंट। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट आपसे कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध का जो आपको क्या बताना है, मात्रक लिखना है। क्या लिखना है, सॉरी, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता का सूत्र व मात्रक लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर चार, क्वेश्चन नंबर चार क्या कर रहा है, विशिष्ट चालकता का सूत्र व मात्रक लिखिए। तो सोचिए सूत्र और मात्रक, पहले विशिष्ट चालकता तो जाने तो क्या होता है, तो जो विशिष्ट चालकता होता है प्यारे बच्चों, वो जो विशिष्ट चालकता होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। यहाँ लिखना चाहो तो आप जरूर लिख सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे आप लोग किससे व्यक्त करते हैं प्यारे बच्चों, इसे आप सिग्मा से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, सिग्मा। सिग्मा बराबर हो गए एक बटे रो, यानी एक बटे विशिष्ट चालकता। अब रो का मात्रक क्या होता है, अभी आपने इससे पिछले वाले सवाल में पढ़ा था, रो का मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। ओम ऊपर गए, ये दोनों ऊपर चले गए, तो ओम ऊपर गया तो क्या हो गया, ओम इनवर्स हो गए, और मीटर ऊपर गया तो मीटर इनवर्स हो गए। तो प्यारे बच्चों जो सिग्मा का मात्रक होता है ओम मीटर इनवर्स, अथवा क्या होता है, अथवा होता है महो। क्या होता है, महो, अथवा क्या होता है, महो। ओम का, इनका उल्टा क्या होता है, महो। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार इसका आप मात्रक लिख सकते हैं, और सूत्र क्या हो गया, सिग्मा इक्वल टू वन अपान रो। तो ये हो गया प्यारे बच्चों विशिष्ट चालकता का सूत्र और मात्रक, ये भी क्वेश्चन आपने हल कर लिए। आगे आते हैं हम लोग, अनुओमी प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट आप इसको ऐसे भी बता सकते हो,
जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम को लागू नहीं करते, ओम के नियम पे नहीं चलते, वो हमारे क्या कहलाते हैं? अनओमी प्रतिरोध कहते हैं। जो यानी R इक्वल टू वी अपान आई, इस रूल को नियम, इस रूल पे ना आधारित हो, इस नियम को फॉलो ना करें, वो प्रतिरोध अनओमी प्रतिरोध कहलाते हैं। ऐसे परिपथ जो ओम के नियम पे नहीं लागू होते, वो अनओमी परिपथ कहलाते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, कभी कभी ओमी परिपथ पूछेगा, तो जो ओम के नियम को लागू करते हैं वो ओमी परिपथ कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 7×10⁻¹⁰ मीटर की त्रिज्या की कक्षा में इतनी चाल से चक्कर लगाता है, विद्युत धारा का मान क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ये। इस फार्मूले पे या इस टॉपिक पे कई बार नहीं, कई सवाल पूछे गए हैं, तो आप जरूर इसको देखिएगा। एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 7×10⁻¹⁰ मीटर यानी त्रिज्या दे दी गई, 7×10⁻¹⁰ मीटर। कक्षा में इतने चाल से चक्कर लगाता है, वी का मान 4×10⁻¹⁶ मीटर प्रति सेकेंड। विद्युत धारा का मान क्या होगा? आई का मान आपसे पूछ रहा है। आप जानते हो डियर स्टूडेंट आई बराबर क्या होता है, या आपने एक समीकरण पढ़ा है प्यारे बच्चों, आई इक्वल टू क्यू अपान टी। क्यू अपान कितना पढ़े हैं? टी पढ़े हैं प्यारे बच्चों। अब ध्यान से समझिएगा, I इक्वल टू क्यू अपान टी, और Q बराबर आपने पढ़ा है NE, तो यहाँ रख देंगे NE अपान कितना आ जाएगा? T आ जाएगा डियर स्टूडेंट। अब यहाँ न तो आपको N पता है, आप E जरूर जानते हैं, T का मान जरूर जानते हैं, पर N का मान आपको नहीं पता है। N क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब N जो होगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, पता किया जाए कि जो घूमने वाले इलेक्ट्रॉन हैं कितने इलेक्ट्रॉन हैं डियर स्टूडेंट, तो आप यहाँ जरूर लिख सकते हैं कि जो N होगा, वो जो यहाँ N होगा वो इलेक्ट्रॉनों के चक्कर यानी इलेक्ट्रॉनों का चाल कितना है, वो बटे वृत्त की परिधि यानी वृत्ता का मार्ग है ना डियर स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा? V n equal to V upon 2 pi r। वहाँ जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो चाल, ये चाल हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा? दूरी। यानी जो इलेक्ट्रॉनों के चक्कर हैं वो चाल बटे दूरी के बराबर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों? चाल कितना है? वी, और कितना दूरी? वृत्त की परिधि। तो यहाँ रख देते हैं, आई के स्थान पे क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट? एन के स्थान पे वी अपान टू पाई आर, और ये ई अपान कितना आ गया? टी। यही आर आपको ज्ञात करना है, नहीं आई ज्ञात करना है। तो वी का मान कितना है? 4×10⁻¹⁶ और 2 pi का मान 3.14, आर का मान है 7। तो प्यारे बच्चों ऐसे रख दीजिएगा, पाई का मान आप 22/7 भी रख सकते हैं, और आर है 7×10⁻¹⁰ और ई कितना है? 1.6×10⁻¹⁹ और टी का मान कितना है? प्रति सेकंड का है ना, मीटर प्रति सेकंड, तो 1 हो गए प्यारे बच्चों। अब आगे ध्यान से समझिएगा, 7 से 7 कैंसिल हो गए, ठीक। उसके बाद 22×1 22×2 44 यानी 2.2 आ गए प्यारे बच्चों। अब इस 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 1.1 आ जाएंगे, यानी नीचे केवल 10⁻¹⁰ बचा, ऊपर 1.1×1.6 और ये 6 में से 19 घटा देंगे, 10⁻¹³ और 10⁻¹⁰, ये कट जाएंगे, तो 2 बचेंगे, 1.1×1.6×10⁻²। इसको हल करोगे प्यारे बच्चों तो हल करने पे आपका आएगा 1.16 मिली एम्पियर। इसको हल करोगे तो आई बराबर 1.6 मिली एम्पियर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? मिली एम्पियर मान आ जाएगा। इस प्रकार आपका आ गया प्यारे बच्चों। एक बार फिर से, I इक्वल टू क्यू अपान टी, क्यू बराबर एन ई होता है, एन ई अपान टी। अब N हमको नहीं पता था कितने इलेक्ट्रॉन हैं या कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो N बराबर V अपान 2 pi r के बराबर हो गया। मान रख दिए, हल किए प्यारे बच्चों, इतना आ गया।
आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा, सातवां भी मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ये भी तो सातवां क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा उसको भी आप जरूर देखिएगा। सातवां क्वेश्चन आपसे कर रहा है कुछ इस प्रकार है, एक मिमी स्क्वायर के प्रच्छेद के किसी तार से, सातवां नंबर, एक मिमी यानी एक मिलीमीटर स्क्वायर प्रच्छेद की किसी तार से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको दी है, उसके बाद क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल ए बराबर एक मिलीमीटर स्क्वायर है। प्यारे बच्चों आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो मिलीमीटर स्क्वायर होगा उसको हम लोग चेंज कर देंगे मीटर स्क्वायर में, किसमें चेंज कर देंगे मीटर स्क्वायर में, तो एक मिलीमीटर स्क्वायर है तो हम जानते हैं क्या जानते हैं कि एक मिलीमीटर बराबर होता है 10^-3 मीटर। तो जब यहाँ 10^-3 रखेंगे तो ये एक मिलीमीटर नहीं बल्कि मिलीमीटर का स्क्वायर है, तो 10^-3 का स्क्वायर करोगे तो 10^-6 हो जाएंगे, यानी हम इसको चेंज कर देंगे तो 1×10^-6 मीटर स्क्वायर, ये ए का मान आ गया। आगे कह रहा है तार से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति मीटर क्यूब है, यानी एन इक्वल टू कितना है 5×10^24 प्रति मीटर क्यूब है, प्रति मीटर क्या है क्यूब है। आगे कह रहे हैं यदि तार में 0.8 एम्पियर की धारा बह रही हो, आई बराबर 0.8 एम्पियर, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग यानी वीडी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था, एक फार्मूला पढ़ा था प्यारे बच्चों, अभी धारा और अनुगमन वेग में संबंध I बराबर एन ई ए वी डी, तो आपको क्या ज्ञात करना वी डी, इसको इधर कर देंगे तो I बटे कितना आ जाएगा एन ई ए बराबर वी डी। आई का मान कितना है 0.8, यन का मान कितना है 5×10^24, ई 1.6×10^-19 और इंटू ए का मान है 10^-6, ठीक प्यारे बच्चों बराबर वी डी। अब आप इनको हल करेंगे तो देखिए हल करते हैं तो 0.8/5 देखिए गुड़े कितना है 1.6, ठीक, और ये 10^24 19 6 25 10^24 19 6 25 10^-25, ठीक। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट 25 में से 24 घटा देंगे 0.8 और ये 16×5 80, 16×5 कितने हो जाएंगे 80, तो प्यारे बच्चों 8.0 जिसका मतलब 8 हो जाएगा गुणे, ध्यान से समझिएगा 25 में से 24 घटाए 10^-1 और ऊपर ला दिए 10^+1 हो गए, 24 में से 25 घटाए 10^-1 नीचे आया ऊपर लेके चले गए प्लस 1 हो गए, 10 का गुणा इसमें कर दोगे तो 8/ कितना आ जाएगा 8, कैंसिल कर दोगे तो 1 एम्पियर की धारा क्या होगी प्रवाहित होगी। आप इसका आंसर मिला सकते हो प्यारे बच्चों, तो एक एम्पियर की धारा नहीं 1 मीटर प्रति सेकेंड होगा, क्योंकि अनुगमन वेग ज्ञात कर रहे थे ना, तो वी डी बराबर कितना आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन नंबर 7th है वो क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है, क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है। आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं कि जो हम क्वेश्चन आपको बता दिए हैं वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिन बच्चों की तैयारी नहीं हो पाती उनके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो बताए जाते हैं डियर स्टूडेंट, और कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आप खुद उनको अभ्यास कर सकते हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग यूनिट 3rd की चर्चा करेंगे, यूनिट 3rd आपको क्या है, या डियर स्टूडेंट जिन बच्चों को फिजिक्स पेपर देने से पहले जिन टॉपिक में समस्या आ रही है आप उस टॉपिक पर कमेंट कीजिएगा, अगर किसी भी टॉपिक पर आपको दिक्कत है तो उस टॉपिक पे वीडियो बनाया जा सकता है, उस चैप्टर के वीडियो बनाए जा सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्य जय हिंद जय भारत, धन्यवाद प्यारे बच्चों।